आपने पुरानी परंपरा में या ओढ़ी है आग बाजू ना बुढ़ा बुजुर्ग धोख मारा होगा ने और उन्हें खान पीन ना अच्छा देते होगा कोई कपड़ो उड़न ना देते होगा तो वो आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद खातिर आज आप सारा एक तो ऐसो काम भी करियो जैसे गुरु महाराज जी प्रसन्न हो। और साथ साथ एक आदमी जो है हर आदमी का नया नया विचार हो एक आदमी अभी बताए गए है आगे महाराज जी करो नो आ रहे हो गण आदमी ने इकट्ठा करके करो नो तो ऐसे साथ करो नो याद जरूर सिखा दी अब बहुत अच्छी तरह से जी होगा तो फायदे ज्यादा जो है ना खानो पीनो सही ना रखोगा तो बीमारी घनी फैलेगी। गलत आदमी अंग संग में बैठेगा तो बीमारी घनी फैलेगी। और जगह पहली से बीमारी होने तो और ज्यादा सचेत होंगे उनका बढ़वा असर करे। आप सब लोग जो है ना बहुत आराम से जागरण को यही मतलब है अगली सकारात्मक पतन का एक आदमी देख पाऊंगा पतो बन जी तो अगली सकारात्मक अपना जीवन में बहुत गुणों परिवर्तन आ रहा है।